नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में जा पहुंचा है और भाजपा कांग्रेस एक एक सीट पर पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में श्योपुर से कांग्रेस प्रत्याशी बाबू जंडेल के लिए वोट मांगने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार पीएम मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने हमारी सरकार चोरी की है, अब एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाइए। मंगलवार को श्योपुर शहर के चंबल कॉलोनी परिसर में आयोजित जनसभा में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आप लोगों ने अपना वोट देकर जो हमारी सरकार बनाई थी उसे मोदी साहब, शिवराज और शाह ने चोरी कर लिया है, अब आप फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार बनाइए। व्यापम घोटाले से लेकर पेपर लीक घोटालों की जांच कराएंगे और जो 8000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं उन्हें जेल भिजवाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग 8000 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं उन्हें जेल भेजने की बजाय पता नहीं कैसे बीजेपी ने वॉश करके अपने साथ ले लिया है। उन्होंने प्रदेश के चर्चित व्यापम और पेपर लीक घोटाले की जाँच कराने की बात करते हुए कहा कि ईडी और इनकम टैक्स हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बिना किसी डर के पार्टी के लिए काम करे। इस दौरान खड़गे ने अपनी पार्टी के वचन पत्र को दोहराते हुए कहा कि सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का आधा, किसानों का कर्ज पहले भी माफ किया, आगे भी करेंगे। वही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल और सिंचाई के बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ, 12 घंटे बिजली ओबीसी और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। वही ओबीसी, एससी, एसटी और दलित के लिए जनगणना जरूरी है, इससे पता लगेगा कि इतने समय में कौन कितना बढ़ा है, किसके पास कितनी जमीन और संपत्ति है।